सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी मुसीबतों से जब भी पिंड छुड़ाना चाहती है, एक नई मुसीबत या मुश्किल उसको आकर के घेर लेती है। अलग अलग राज्यों में जिन नेताओं की बगावत का सामना करने के लिए या उस सामना से पीछा छुड़ाने के लिए कोई नया विकल्प वो आजमाती है, या फिर उस नेता के हाथ में वो सब कुछ थमा देती है जो वो चाहता है, तो फिर कोई दूसरा आदमी नाराज़ हो जाता है, वो तलवारें तान लेता है। और यह बात मैं हरियाणा के लिहाज से कह रहा हूँ। हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पिछले कई दिनों से या कई साल से चली आ रही बगावत थी, उसको ख़त्म करने के लिए उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया, लेकिन विधायक दल का नेता बना दिया और जो कैंपेन कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया, जो हुड्डा चाहते थे। यानी उनकी मन की मुराद पूरी कर दी गई। वो चाहते थे कि जो हरियाणा में इस बार चुनाव हैं तो टिकट के बंटवारे में उनकी भूमिका अहम रहे, तो विधायक दल के नेता हो गए और प्रदेश में वो कैंपेन कमेटी के मुखिया हो गए। तो टिकट के बंटवारे में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी, वो इस बार का जो चुनाव होगा उसका चेहरा होंगे, यानी कि उसके नायक होंगे, अगुवा होंगे, लड़ाई उनकी अगुवाई में होगी। मुख्यमंत्री का मामला अलग है, लेकिन चुनावी लड़ाई के अगुवा भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और सोनिया गांधी ने उनको यह जिम्मा दे दिया। अब सोनिया गांधी ने क्या किया, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, हरियाणा में उन्होंने कुमारी शैलजा को, अशोक तंवर जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको हटा करके कुमारी शैलजा को ला करके यह जिम्मेदारी सौंप दी। एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को हटा करके दूसरे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को उन्होंने यह बागडोर सौंपी है। कुल मिलाकर के जातिगत समीकरण जो था उसको रहने दिया है कुमारी शैलजा को, इसलिए क्योंकि वो उनकी बहुत विश्वासपात्र हैं, करीबी हैं, और अशोक तंवर राहुल गांधी के करीबी हैं। राहुल गांधी अशोक तंवर को लेकर के आए और राहुल गांधी के इस फैसले ने हरियाणा में एक तरह से तूफान खड़ा कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत लंबे समय से चाहते रहे कि उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने दीपेंद्र की जगह पर अशोक तंवर को अपनाया, क्योंकि वो उनके भरोसेमंद हैं, उनके बहुत करीबी हैं। और अशोक तंवर को जैसे ही पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष की कमान उन्होंने दी, उसके बाद से हुड्डा बाप बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यह नाराज चलने लगे और इन लोगों ने अपनी एक अलग लकीर खींचनी शुरू की। अभी हाल ही में जो रोहतक की रैली थी, उस रैली में कांग्रेस के जो आला कमान हैं यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनकी तस्वीर नहीं थी बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर थी। उस रैली में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की, बीजेपी के हक में बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि कश्मीर 370 हटाने का फैसला जो केंद्र की सरकार ने किया है वो फैसला बिल्कुल सही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक सी गई है, ये पार्टी वो पार्टी नहीं है जो पार्टी हुआ करती थी। तो इस तरह के बयान देने के बाद भी उनसे कोई सवाल नहीं किया गया बल्कि उनकी बात मान ली गई। सोनिया गांधी ने उनको बुलाया, 10 जनपद पर वो आए मिले। बहुत मुमकिन है कि सोनिया गांधी ने कहा होगा कि आपने रोहतक की जो रैली की और जो भी बयान दिया वो ठीक नहीं है, लेकिन आप पार्टी के सबसे मजबूत पाया हैं, आपके ज़रिए कांग्रेस हरियाणा में आगे बढ़ेगी और आपको हम कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे, बना दिया, विधायक दल का नेता बनाएंगे, बना दिया। तो शैलजा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी अशोक तंवर को हटा करके, राहुल गांधी ने जो मुसीबत या मुश्किल खड़ा की थी सोनिया गांधी ने, वो कई साल बाद ला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बनाकर खत्म करने की कोशिश की है। मैंने कि एक जाट को आपने हटाया, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल का नेता हैं, तो जो जाट को हटाया और जाट को डाला मैं कहना चाहता था, अब कह रहा हूँ, वो इसलिए कि किरण चौधरी के पहले विधायक दल की नेता थी। किरण चौधरी भी जाट नेता हैं और वो बंसीलाल की बहू हैं, उनका भी अपना एक जनाधार है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिग्गज नेता हैं, बहुत ताकतवर हैं और जाटों के तमाम बड़े नेताओं में से अगर चौटाला खानदान के बाद कोई दूसरा बड़ा चेहरा है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी यही जो ताकत है और उनका जो जनाधार है, उसकी इज्जत या कहीं कहिए कि उसके दबाव में सोनिया गांधी ने उनकी सारी बातें सह ली, उनका अनुशासन के खिलाफ जाना सह लिया, उनके तेवर सह लिए, उनकी धौंस सह ली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमोबेश वही किया जो पंजाब में
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम जब नहीं आया था, राहुल गांधी अपनी पसंद के लोगों को आगे बढ़ा रहे थे, तो कैप्टन ने अपनी अलग रैली की थी। उन्होंने आला कमान को वहां से बताया था कि मैं यहां का सबसे ताकतवर आदमी हूं, मैं यहां का सिपह सालार कांग्रेस का हूं, मेरे बगैर यहां की लड़ाई न लड़ी जा सकती है न जीती जा सकती है। आखिरकार वो बागडोर कैप्टन के हाथ में सौंपनी पड़ी। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ कि कमलनाथ जो हैं वो पुराने नेता, दिग्गज नेता राहुल गांधी लगातार ये कोशिश में रहे कि जो नई पीढ़ी है, नए नेता हैं, नई ऊर्जा के लोग हैं, उनको कमान सौंपी जाए। वो चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले, लेकिन बाजी कमलनाथ के हाथ में चली गई और कमलनाथ फिर वहाँ मुख्यमंत्री भी बने रह गए। यह भी वैसे ही हुआ जैसे कि राजस्थान में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनाया पायलट को, सचिन पायलट को, लेकिन जब चुनाव हो गए तो कुर्सी पर मुख्यमंत्री के जाकर बैठ गया अशोक गहलोत, जो महासचिव होकर के दिल्ली आ गए थे और जनार्दन द्विवेदी की जगह उन्होंने ले ली थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के आगे राहुल गांधी की नहीं चली, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आगे राहुल गांधी की नहीं चली, हरियाणा में अशोक तंवर राहुल गांधी के हैं, उनको हटा करके अब कुमारी शैलजा को लाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी फैसले कांग्रेस के भीतर रहे हैं वो बदलाव के हैं, अब बेहतरी के हैं कि नहीं हैं यह आप दावे से नहीं कह सकते हैं। जब इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेरी नज़र असम पर जाती है। असम में भी ऐसा ही हुआ था। असम में राहुल गांधी ने तरुण गोगोई के बेटे को, जब गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया था, तो वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा नाराज़ हो गए थे और उनको लग रहा था कि कांग्रेस अगर यहाँ अपना रकबा बढ़ा सकती है, सियासी ज़मीन बढ़ा सकती है, कांग्रेस की कोई हैसियत है, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए गौरव गोगोई को तो आगे नहीं ही जाना चाहिए। भले उनके पिता तरुण गोगोई आगे रहे, कोई बात नहीं है। और यह जो अदावत रही वो फिर बीजेपी के लिए फायदेमंद रही। हेमंत बिस्व शर्मा जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए, उनके स्ट्रैटेजिस्ट बन गए और पूर्वोत्तर में बीजेपी की जो अभी की जीत है, उसका जो सफल अभियान है, और असम में बीजेपी की जो सरकार है उसमें एक बड़ी भूमिका हेमंत बिस्व शर्मा की रही, जो कांग्रेस के बड़े सिपह सालार हुआ करते थे, कांग्रेस के भरोसेमंद हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी के एक फैसले के चलते ऐसी गलती हुई जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। हरियाणा में कुल मिलाकर के अब माहौल शांत है, संतुलित है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसलिए कि वहां अध्यक्ष पद को लेकर के एक लड़ाई चल रही है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों में अब तीनों खेमे अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि बाजी जो है उनके पास रहे मध्य प्रदेश की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने कि यह अध्यक्ष पद जो है वो हमारे पास आ जाए। राजस्थान में माहौल लगभग ठीक है, लेकिन मैंने यही कहा कि राहुल गांधी के पुराने फैसलों को ठीक करने में कितना ठीक हो रहा है और कांग्रेस को उसका फ़ायदा कितना हो पाएगा, यह जब चुनाव होने जाएंगे महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश में जो नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तभी कहा जा सकता है। वैसे मैंने जो बात हरियाणा से शुरू की है, तुरंत के चुनाव की बात करें तो हरियाणा में चुनाव हैं और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुडा क्या करिश्मा दिखाएंगे, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सारी सीटें बीजेपी जीत ले गई, एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को नसीब नहीं हुई है। 2014 में भी ऐसा ही रहा कि दो सीटें चौटाला की पार्टी को, INLD को चली गई थी, एक सीट से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था, बाकी सात सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी प्रदर्शन हरियाणा में काफ़ी अच्छा रहा है। अब जब वहाँ टुकड़ों टुकड़ों में विपक्ष है, यानी कि अभी चौटाला परिवार बटा हुआ है, एकजुट करने की कोशिश चल रही है, दोनों भाइयों में थोड़ी सुलह सी दिखने लगी है, लेकिन वो दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बात के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस अंदर खाने की लड़ाई से जूझ रही है। अशोक तंवर और किरण चौधरी कांग्रेस के जो मौजूदा नेतृत्व का फैसला है उसको कितना मानेंगे और अपनी लंगड़ी क्यों नहीं लगाएंगे, यह देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी के लिए मैं ही कहता कि इस बार भी हालात बेहतर हैं, अनुकूल हैं और प्रदर्शन बीजेपी का बेहतर होगा, सरकार उसकी
दोबारा सत्ता में राज्य में लौटेगी, इस बात के आसार दिखते हैं वहां विपक्ष के हालात को देखते हुए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।